हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। SSC CGL एंड CHSL दोनों एग्ज़ाम्स आपके मार्च में होने हैं, और इस बचे हुए टाइम में जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन। मैक्सिमम लोग इस समय परेशान हैं रिवीजन को लेके। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो तैयार हो गई हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैसे चीज़ों को समेटना है, कैसे तैयारी को आगे बढ़ाना है, कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है कि जो बचा हुआ टाइम है इसमें हम मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाएँ। सबसे बड़ा सवाल तो आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हमें रिवाइज करना क्यों है, वाई शुड यू रिवाइज। सबसे पहला सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉइंट को आपको समझना होगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो इजीली ऐसा होता है, जब आप अपने एजुकेटर से पढ़ रहे हो आपको उस समय सब चीज़ें समझ आ जाती है, आपसे क्वेश्चन भी बनने लगते हैं, प्रीवियस ईयर भी बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है, आप अगला टॉपिक पढ़ते हो, चार पर टॉपिक पढ़ते हो, सिलेबस आगे बढ़ता है, तो जो पिछला टॉपिक है वो धीरे धीरे करके भूलता जाते हो आप। जब उसके क्वेश्चंस लगाते हो तो उसके बार बार कॉपी देखनी पड़ती है, नहीं बन पाते सवाल। तो इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है कि नया भी आप सीख सको और पुराना भी आप अपने साथ रखो। और सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। स्पेसिफिकली ये मैटर आपका करता है GS के सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा, कि अगर एक टॉपिक आप अच्छे से समझोगे नहीं और उससे आगे बढ़ जाओगे आपको कहानी कभी नहीं समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मिडिवल की बात करता हूँ, जब तक आप दिल्ली सल्तनत को नहीं पढ़ोगे आप मुगल साम्राज्य समझ ही नहीं सकते। इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है, बीच बीच में आपको रिवाइज करते रहना है। एंजाइटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग एंजाइटी जो है सिर्फ आपके दिमाग में है कि तैयारी नहीं हो पाई है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपकी तैयारी हो चुकी है, बस आपको फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो है। एक बार रिवाइज करोगे ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आता है मुझे, इस टाइप से आता है मुझे जो होगा ये आपको थोड़ा बहुत बूस्ट देगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, कैसे रिवाइज करना है, क्या अपना टाइम स्केड्यूल होना चाहिए, जो नए टॉपिक्स हैं उन्हें क्या करना है, जो पुराने हैं उन्हें रिवाइज कैसे करना है। ये बहुत फेमस टेक्निक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं इसे। और सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको शॉर्ट टाइम ब्रेक लेना है, शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ एक घंटा आपके पास है तो आपको 45 मिनट्स उसके अंदर पढ़ना है, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। अपना दिन इसी हिसाब से आपको प्लान करना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपको रखनी है जो आपकी क्लासेस हैं, चाहे अपन अकेडमी प्लस पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको वो टाइम अपना लॉक करना है। उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है वो रिवीजन को डेडिकेट करना है, उसमें भी शॉर्ट टर्म पढ़ो, स्टार्टिंग में चाहे 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, 25 मिनट जब पढ़ रहे हो ना फ़ोन साथ होना चाहिए ना और कुछ साथ होना चाहिए, सिंपली उस समय फोकस होके पूरे तरीके पढ़ना है। लेकिन जब 5 मिनट का ब्रेक लोगे, दिस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, उस समय पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं सोचना, ना ही उस जगह पे बैठना है। ये जो टेक्निक है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करती है, काफ़ी लोग इसे करके सक्सेसफुल भी हुए हैं इस चीज़ को, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। अब सेकेंड बात मैं आपसे कहता हूँ, जब आप प्लान बनाओगे, बहुत लंबे प्लान नहीं बनाने, लोग सीधा 1.5 महीने का अपना प्लान बना लेते हैं, वो काम नहीं करता। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, शॉर्ट टर्म प्लान बनाने हैं, मैं आपसे कहूँगा वीकली प्लान आप बनाओ, और मेक श्योर वीकली प्लान में मुश्किल से 5 दिन ऐसे होने चाहिए जिस दिन अपना आपने रिवीजन रखा हुआ है, 2 दिन आपके पास 100% बफर के होने चाहिए। बफर का रीज़न ये है, कभी भी कुछ इमरजेंसी का काम पड़ सकता है, प्लस कुछ ऐसा टॉपिक निकल सकता है जो आपको उम्मीद से ज़्यादा आपका टाइम ले गया है, तो उस केस के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। अगर हफ्ते का प्लान बना रहे हो 5 दिन अपने रखो, अगर 10 दिन का बना रहे हो तो 8 डेज रिवीजन एंड 2 डेज बफर। ये बफर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, लोग बहुत रिजिड प्लान बना लेते हैं, रिजिड प्लान कभी काम नहीं करते। मेक श्योर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा बफर टाइम के साथ अपना प्लान बनाना, जिससे वो एक्चुअली सक्सेसफुल हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को रिवाइज कैसे करना है। सबसे पहले उसके बारे में बात करता हूँ जिसको लेके सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, जनरल अवेयरनेस। दिन अपना डेडिकेट कर दो, जब 1 घंटा बैठे हो तो इसका मतलब 1 घंटा आपको पूरा टॉपिक निपटा के ही उठना है, टॉपिक वाइज आपको इसे पढ़ना है। एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं नेशनल पार्क्स पढ़ने बैठा हूँ, नेशनल पार्क्स जब आप पढ़ेंगे तो सारे के सारे नेशनल पार्क्स एक साथ निपटाने हैं, उस समय बर्ड सेंचुरीज तक नहीं पढ़ने, तब सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क पढ़ने हैं। अगर बुक का सोर्स नहीं समझ आता चाहे आप AP भारद्वाज ले लो, और चाहे आप लूसेंट का अपना चैप्टर नंबर 9 से भी पढ़ सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इससे भी पढ़ सकते हो, चाहे तो आप अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज से भी पढ़ सकते हो। सेम इसी तरीके करंट अफेयर्स नवंबर टू मार्च बहुत डेप्थ में करने हैं, एंड अक्टूबर या अक्टूबर से पहले के जो हैं इसके जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपको कवर करनी है। बेस्ट पार्ट ये है, अभी आप जनवरी में हो तो आप नवंबर दिसंबर जनवरी कवर करो, एंड फेब और मार्च के आप उसके बाद में कवर कर लेना। ये हमने बात करी अभी जनरल अवेयरनेस की। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स रहेगा करंट ईयर क्वेश्चन, चाहे वो CPO के हों, जो 2019 में जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे CGL के हों, वो सभी सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं।
बुक जैसा मैंने आपको बता दिया, चाहे आप लूसेंट फॉलो कर सकते हो, चाहे आप स्टार्टिंग के लिए एपी भारद्वाज फॉलो कर सकते हो, जो किताब आपके पास है स्टिक टू दैट। अब बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करने का टाइम नहीं है, लेट्स प्ले स्मार्ट। जो किताब है सबसे पहले आप उसे करो। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग को लेके मैं आप सभी को बताता हूँ, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी लोग अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उनके वीक रह जाते हैं। जैसे सीरीज किसी का वीक होता है, किसी का पेपर कटिंग फोल्डिंग वीक होता है, किसी का काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वीक होता है। सिर्फ उन टॉपिक्स को आप डेप्थ में करो, अपने टॉपिक्स की लिस्ट आप बना लो कि ये चार टॉपिक ऐसे जो मेरे वीक हैं। वो कैसे पता लगेंगे? सबसे पहले दो सेट रोज के अपना बांध लो, दो सेट आपके मुश्किल से विद एनालिसिस बहुत लगा तो एक घंटा लगना चाहिए। CGL CPO जितने सवाल मिले 2019 में, जितने पेपर हुए हैं, सबके करंट ईयर क्वेश्चन ये लगा लो। इसके अलावा कुछ और नहीं करना। जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उन्हें आप जहां से भी अब तक पढ़ रहे हो सिर्फ उन टॉपिक्स को वहां पे समझ के करना है और रीजनिंग आपकी तैयार रहेगी। अब मैं बात करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की। मैथ्स में भी काफ़ी लोग परेशान हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइप वाइज क्वेश्चंस। इस समय वो टाइम नहीं है कि आप परसेंटेज बैठे हो तो सुबह से लेकर रात तक 3 दिन तक परसेंटेज के ही सारे सवाल लगा रहे हो, वो बिल्कुल टाइम नहीं था। टाइप वाइज सवाल करने हैं, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने देखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ आपसे मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में आपको पता होना चाहिए अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर से 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं। सब आपने 4-4, 5-5 लगा दिए, दैट शुड बी ऑल फॉर सिलेंडर। इसी अगले में कोन पे चलो, इसी टाइप से आपको वो टाइप वाइज चीजों को कवर करना है। जैसे कि प्रिज्म पिरामिड हो गया, आपको पता है कि उसके अंदर सरफेस एरिया से पूछेगा, वॉल्यूम से पूछेगा, TSA, जितने भी टॉपिक्स हैं इन टाइप वाइज फॉलो करो एंड दैट शुड बी ऑल। जो करंट ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, आगे फटाफट बढ़ो, बहुत ज्यादा टाइम अपना नहीं खराब करना है चीजों पर। और इंग्लिश के लिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर वोकैबुलरी में परेशान हो, सिंगल सोर्स है करंट ईयर क्वेश्चन, ये कर लो, बहुत रहेंगे अभी के लिए। इसके बाद बाकी किताबों को फॉलो करना। अगर ग्रामर की आप मुझसे बात कर रहे हो, ग्रामर में रूल्स हैं, उसके बाद करंट ईयर क्वेश्चन, जहाँ से भी अब तक पढ़े हो उसे रिवाइज करो। अगर अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो सीधी किताब एक आती है सुपर फास्ट इंग्लिश, इसे पढ़ो, इसे फटाफट निपटाओ। बहुत मोटी किताब नहीं है, टाइम से निपट भी जाएगी, बहुत महंगी भी नहीं है। इससे आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे करंट ईयर क्वेश्चन से। प्रैक्टिस के लिए एक सिंगल सोर्स है करंट ईयर क्वेश्चन, और कहीं नहीं भटकना। इस समय इतने सवाल करंट ईयर क्वेश्चन में है कि अगर आपने अब तक शुरू नहीं करे ये कर लो, बहुत रहेगा। इसके अलावा कहीं नहीं भटकना। और मैं क्लियरली बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको सीधा सीधा मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से आपको फायदा ये होगा कि आप एनालाइज कर पाओगे चीज़ों को, क्या आपका पोर्शन ऐसा है जो वीक है, पूरा प्रॉपर एनालिसिस आप कर सकते हो। और एनालिसिस करने का फायदा आपका ये होगा कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। जो पोर्शन आपका वीक है, टाइम मैनेजमेंट भी आप इससे सीख पाओगे, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। और अगर आपको तैयारी में वीकनेस लग रही है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है, एक सिंगल सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अनअकैडमी प्लस, जिसपे सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आपको एक सिंगल प्लान में मिलते हैं। मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान लेना, जिसमें आपको सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज, चाहे वो प्रतियोगिता मंत्रा हो, चाहे वाईफाई स्टडी हो, रानी मैम हो, सुमित सर हो, सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज, नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप ये वाला बैच अटेंड कर सकते हो। 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है और बिल्कुल एग्जाम तक ये चलेगा, जिसके अंदर अभिनय सर आपको खुद मैथ्स करा रहे हैं, परनीत मैम आपको इंग्लिश करा रही है, जितेंद्र सर आपको पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस करा रहे हैं। इस टाइप से आप अपनी तैयारी करो, बहुत सारे बैचेज हैं, सभी बैचेज एक सिंगल प्लान में पूरे एक साल के लिए अगर आप लेते हो आपको इस रेट में पड़ जाएंगे। डिस्काउंट कोड चाहे आप PMYT लगा सकते हो, बिना स्पेस के पास आपको PMYT लिखना है, चाहे आप प्रतियोगिता मंत्रा भी लगा सकते हो। मॉक टेस्ट, डाउट सेशन सब यहीं पे हैं, इसी में से कर ला। स्पीड बढ़ा के सेशंस को देखो, क्लास PDF से रिवीजन करो अपना चीज़ों का। बस फाइनल पेमेंट के समय आपको प्रतियोगिता मंत्रा या PMYT, इन दोनों में से कोई सा भी आप डिस्काउंट कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी और कैटेगरी में भी अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो बैंकिंग है, UPSC है, रेलवे, सभी कैटेगरीज में सेम डिस्काउंट कोड काम करता है। चाहे आप PMYT लिख दो बिना स्पेस के, चाहे आप प्रतियोगिता मंत्रा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।